नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। स्कॉटलैंड में एक ट्रांसजेंडर पिता की अजीबोगरीब करतूत का मामला सामने आया है। ग्रेग रॉजर्स, जिसका जन्म महिला के रूप में हुआ था, वो सेक्स चेंज कराकर पुरुष बना और महिला से शादी कर ली। जब दोनों को एक बच्चा हुआ तो उसने कथित तौर पर जबरन अपने बेटे का सेक्स चेंज कर उसे लड़की बनवा दिया। लोगों को जब ये बात पता चली तो उसे जमकर गालियां पड़ रहे हैं, पर ग्रेग का दावा है कि उसने अपने बेटे पर सेक्स चेंज का दबाव नहीं बनाया। हाल ही में ग्रेग ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसने अपने बेटे के सेक्स चेंज को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया। ग्रेग ने कहा, हमने किसी भी तरह बेटे से नहीं कहा कि वो सेक्स चेंज कराकर लड़के लड़के बन जाए, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं और मुझे गालियां और धमकी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉजर्स परिवार ब्रिटेन के एकलौते ट्रांसजेंडर परिवार है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स की दो पीढ़ियां मौजूद हैं। ग्रेग और उसकी पत्नी का दावा है कि उसकी बेटी जेडन का जन्म लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन उसमें अचानक से कुछ परिवर्तन आने लगे। जेडन को अपने कपड़ों से ज्यादा लड़कियों के कपड़े में दिलचस्पी रहती थी। ग्रेग ने कहा, हमने देखा कि वो अकेले वक्त में खुद माँ के कपड़े पहनने लगा। उसे लिपस्टिक लगाना और मेकअप करने में मजा आता था। हम समझ गए थे कि उसकी आत्मा गलत शरीर में आ गई है, उसे लड़की ही होना था। लोगों से लगातार गालियां सुनने के बाद ग्रेग का दावा है कि उसके बेटे ने खुद लड़की बनने की इच्छा जाहिर की थी। ग्रेग ने कहा, जन्म से ही ग्रेग को आंशिक बहरापन था, उसे चीजें सुनाई नहीं देती थी, इसी वजह से उसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती थी। जब हमने उसके बहरेपन का इलाज कराया तब पहली बार उसने हमसे कहा कि उसे लड़की बनना है। हमने सेक्स चेंज ऑपरेशन कराकर उसकी ये इच्छा पूरी कर दी।